डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल के बाहर आ गया है। दरअसल काफी समय से राम रहीम हरियाणा के सुनारिया जेल में बंद था और पिछले कई दिनों से फरलो की मांग कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट की ओर से उसे 21 दिनों की फरलो दी गई है। आज यानी 13 अगस्त को सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे रिहा किया गया, जिसके बाद अब वो फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पूरी करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फरलो होती क्या है जिसके चलते राम रहीम को जेल से रिहा किया गया। तो यहाँ आपको बता दें कि फरलो एक तरह की छुट्टी जैसी होती है जिसमें कैदी को कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है। बता दें कि फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। ये आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे काफी लंबे समय के लिए सजा सुनाई गई हो। फरलो देने के पीछे का कारण ये होता है कि ताकि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके। आज से पहले गुरमीत राम रहीम 8 बार जेल से रिहा हो चुका है, जिसमें से उसे 2 बार फरलो और 6 बार पैरोल दी जा चुकी है। बता दें कि गुरमीत राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। इसके ऊपर आरोप है कि सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया था, जिसमें पंचकुला की स्पेशल CBI कोर्ट ने 2017 में उसे दोषी करार दिया। यही नहीं, इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है।